पंजाब दा मुख्यमंत्री बिल्कुल फेल हो गया, नाकाम हो गया। आज ऐ लगता है कि सरकार बगैर मुख्यमंत्री पे चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जी, बुरी हालत है कि रोज़ कित डकैती कित मर्डर, तो जे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के उत्ते रॉकेट ना अटैक हो गए, मैं लगता है पिछले 20-25 साल नहीं होया होना जिसे पहली बार होया। सो यह जी सिचुएशन तो होंगी है जो उन्होंने पता लग जाए कि इतने किसी का कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। समस्या है कि चला रहा पंजाब नूं केजरीवाल, कैप्टन अपना जो सीएम है वो हाथ कुछ नहीं है, ना वो कोई पावर है, ना कोई फैसले कर सकता है, सारे फैसले केजरीवाल कर रहा है, ये करके अपना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। साहबान ने उन्होंने कोहरे होने करके अणजाण होने करके अज जो पंजाब एक मुआजा भुगत रहा, जिहड़ियां जिहड़े तुसीं गल कीती है इंसीडेंट्स की गल कर रहे जे, वारदातों की गल कर रहे जे, कल्ली यही नहीं, तुसीं देखो रोजाना ही लुटां खोहां कतल डाके नशे और नशा जिहड़ा आ चार गुणा वध गया है, तो रेता दे भा ते नशे नाल नौजवानों दी मौतां भी चार गुणा वध गईआं। सरकार कितने पर तुम्हें नहीं लगता कि हो सकता कि कोई सरकारी एजेंसियां काम कर रही लोगों का ध्यान वंडन? देखो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला, मैं तो किवें कह सकता, ये तो सरकार सामने लिया गए जो लोग ने, पर जितों तक नज़र आ रहा कि पंजाब की बदकिस्मती है कि अज उन्होंने लोगों के हाथ च वागडोर आ गई है, जो चुटकले सुना सकते हैं, लोगों को भरमा सकते हैं, हंसा सकते हैं, तो लोगों को सब्ज बाग उखा सकते हैं। सानू किंतु परंतु तो नहीं करना चाहिए कि अजय बड़ा 2 महीने का समा होया है, पर क्योंकि कहें झोने वाला पिंड परालियों दिस पैंदा है। अज पंजाब के वो लोग जिन्होंने भज भज के वोटां पाईआं से अज भी पछताउंदे कहते पंजाब विधानसभा में बुला के सारे इकट्ठा करना चाहिए पार्टी ने, कि जो स्थिति विकती दिखती भी आ बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति विगड़ती जा रही है, तो इन्हें तुम की मन करते? इस कोई दरावा नहीं गया कि सारिया पार्टियां सारे जो सुहिरद लोग ने पंजाब के उन्होंने सदना चाहिए है, बह के विचार करनी चाहिए है और हरेक के तजर्बे का फायदा उठाना चाहिए है। शायद इस पास वो नहीं आवगे क्योंकि केजरीवाल साहब जिस तरीके चल रहे, क्योंकि सुपर सीएम उही ने, सुपर सीएम उही ने, उन्होंने डायरैक्शन तो बिना तो मेरा ख्याल कि ना ये हिल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो वो कदाचित नहीं चाहूँगे कि असी जिहड़े लोग इलैक्शन पिछे रह गए सी कि उन्होंने असी सद के उन्होंने किसी तरह किसी रूप से सहायता लईए। पर चंगी गल है कि जे पंजाब के जिहड़े भी इस पक्षों तजर्बा रखते हैं उन्होंने लोगों का साथ लिया जाए। थैंक यू सर।